नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ, और हम पहुंचे हैं नीलकंठ अपार्टमेंट है, सेक्टर 21 सी में। आपको बता दें कि यहाँ पहुंचने का क्या कारण है, बारिश हो रही है, आप देख ही रहे हैं, सुबह से ही ऐसा मौसम है। ये जो आप देख रहे हैं बंदर है, इस बंदर को पता नहीं किसी ने मारा है कि क्या हुआ, इसकी कमर टूट गई है, जिसकी वजह से ये यहाँ पड़ा हुआ है। अब जो यहाँ लोग हैं, जो रहने वाले हैं, वो इसकी मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। इसको खाने पीने के लिए दिया है और फ़ोन भी किए, शायद जैसा कि बता रहे थे यहाँ कि फ़ोन भी किए हैं, लेकिन कोई अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है जो इसको ले जाए और इसका उपचार करे, इसकी देखभाल करे। और बात करेंगे, हमारे साथ रेजिडेंस हैं नीलकंठ से। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नरेंद्र कौर है जी। नरेंद्र, कैसे ये क्या हुआ? बोल रहे हैं गार्ड्स वगैरह, बोल रहे हैं कि कल आपस में बंदर लड़े हैं और इसकी कमर टूट गई है, कल से यहीं पड़ा हुआ है ये। तो कब, मतलब किस समय? शाम को। हाँ जी, तो मेरे बेटे ने देखा है, तो मेरे बेटे को लग रहा, तो हमने हर जगह पे कॉल कर दिया, हर जगह पे, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा। तो क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ करो फोन, यहाँ पे करो, फिर मेरे बेटे ने आपको कॉल करी है तो आप आए हो फिर। अच्छा, और कोई पहुँचे नहीं? अभी नहीं। हाँ जी, कोई भी पहुँचा नहीं है मदद के लिए। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, और कल से इसको खाने पीने के लिए भी? हाँ, गार्ड्स वगैरह ने दिया खाने के लिए सबने जी, तो लेकिन वो खा ही रहा, उसको दर्द इतना। अच्छा, तो क्या दूसरा के ये इसके साथ के और भी बंदर हैं, वो आ जाते हैं तो उनसे भी डर रहता है? हाँ जी, वो तो सोसाइटी को डर तो है ही है ना, जानवर तो जानवर कर रहे हैं, लेकिन वो डर रहता है। हाँ जी, हाँ जी, अटैक कर दे। हाँ, तो ये भी एक समस्या है क्योंकि जानवर है, बंदर है भी बहुत, बंदर बहुत है, बंदर बहुत है पूरा। हाँ जी, जंगल का एरिया। हाँ जी, हाँ जी, आप देख सकते हैं लोग हैं यहाँ, जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने कई जगह फोन किए, और बहुत लोग थे, अब चले गए सब, अपने अपने काम वाले हैं, सब चले गए। पहले तो बहुत थे लोग, सुबह तो बहुत थे, लेकिन अब सब चले गए अपने अपने कामों पे। तो ये अच्छा, गार्ड ने बताया था कि कल शाम को ये लड़ रहे थे, दोनों बंदर ही लड़ रहे थे? हाँ जी, मेरा बेटा सुबह आया तो हमारी कार के पास ही था, तो फिर उसने मेरे को फोन करा कि मम्मी आप नीचे जाके वीडियो बना के भेजो, तो फिर मैंने भेजी है। तो वो तो सुबह से कमर कैसे टूटी? कह रहे आपस में लड़े हैं, गार्ड बता रहे हैं, इनसे बात करो जी। क्या नाम है आपका? सुरेश नाम। सुरेश जी, क्या हुआ था? शाम को ये बंदर काफी आ गए थे, तो ऊपर दूसरी मंजिल पे लड़ रहे थे सारे। अच्छा। या तो ये गिर गया है। हाँ। तो इससे कमर टूट गई इसकी, वैसे हो सकता है, और तो किसी ने कुछ कहा नहीं। अच्छा, मतलब मारा आ रहा नहीं? नहीं, किसी ने मारा? किसी ने मारा नहीं? नहीं, किसी ने नहीं मारा। ये लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई के दौरान ही गिर गए उसके कारण जी। और हमारे साथ प्रेसिडेंट जी हैं यहाँ सोसाइटी के नीलकंठ के। नमस्कार जी, क्या नाम सर? मेरा नाम यशवीर है, मैं नीलकंठ अपार्टमेंट्स का प्रेसिडेंट हूँ। ये बिल्कुल लास्ट के अंदर सोसाइटी है हमारी, किसी पार्ट थ्री में। यहाँ पे अक्सर जो है बंदरों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि हमारे पीछे ये जगह भी ऐसी है, चारों तरफ पेड़ और हरियाली है, तो जंगल है। लेकिन यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि बंदरों के, जैसे आप सभी को शायद ज्ञात होगा, अलग अलग गैंग होते हैं, कई बार वो एक्सीडेंटली या गलती से जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनके अंदर गैंग राइवलरी बड़ी फियर्स होती है। तो लगता ऐसा है अभी रात को इनमें आपस में दो गैंगों में झगड़ा हुआ है, ये उनसे बचता हुआ यहाँ गाड़ी के पार्किंग में आके छुप गया। हमारे झगड़ा इनका कहीं बाहर हुआ लगता है, क्योंकि यहाँ होता तो हमारे सीसीटीवी में आता है या गार्ड को पता चलता, इनको पता भी नहीं चला, तो ये छुपके, उनसे छुपके ये गाड़ी की पार्किंग में नीचे आके छुप गए। और सबेरे जब गार्डों ने देखा, गाड़ी सफाई करने वालों ने, तो पता चला ये इंजर्ड है, तो इन्फॉर्म किया गया, और उम्मीद है जल्दी उनके कोई ना कोई रेस्क्यू के लिए आ जाए। अभी सर किसी को फोन किया है? हाँ, हमने रेस्क्यू टीम को फोन किया है, एनजीओ है एक नहर पार, उनका मेरे पास नंबर है, उनको मैंने कॉल किया है। उनका जो व्हीकल जो है, रिकवरी व्हीकल, वो कहीं गया हुआ है फिलहाल, और उम्मीद है वो जल्दी यहाँ आ जाएगा वापसी। कमर टूटी हुई है, एनजीओ है शहर के अंदर, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज आके हेल्प करो। ये हमारा है नीलकंठ अपार्टमेंट, सेक्टर 21 सी, पार्ट 3, फरीदाबाद। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद, अगर और भी कोई है, कोई भी एनजीओ है, कोई संस्था है अगर, जो इस तरह के काम करते हैं, तो वो आकर यहाँ इस बंदर को ले जा सकते हैं और इसका जो उपचार है वो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह, ये देखें, हालांकि डर है उसे कि कहीं हमें मारने तो नहीं आ रहे, इसलिए वो आवाज भी शायद नहीं निकल रही,
पर देख सकते हैं किस तरह से इस अवस्था में है, और इसको खाने पीने के लिए भी दिया है लेकिन डर तो रहता है फिर भी, क्योंकि बंदर है, अक्सर हमला कर देते हैं, झपट लेते हैं, कुछ पता नहीं रहता। तो फरीदाबाद, आपसे भी निवेदन है कि अगर कोई इस वीडियो को जो देख रहा हो और कोई संस्था हो जो मदद कर सकती है तो यहाँ जरूर पहुँचे। नीलकंठ अपार्टमेंट है ये, सेक्टर 21 सी में, और यहाँ आकर आप इसको ले जा सकते हैं। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।